वेलकम टू कंप्लीट फ्रंटेंड डेवलपमेंट कोर्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके प्रोजेक्ट पे काफ़ी हेल्प करेगी और काफ़ी हद तक इसको ऑनलाइन किसी भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट वाले या इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट वाले या बहुत सारी कंपनियाँ यूज़ करती हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लगइन्स के बारे में बता रहा हूँ जो डिपेंडेंट है पॉपअप अलर्ट के ऊपर। देखिए, आपने HTML पढ़ा है, आपको ऑलरेडी पता होगा कि अलर्ट क्या होता है और पॉपअप क्या होता है। फिलहाल अगर नहीं पता तो आपने अगर किसी वेबसाइट्स में देखा होगा, जब भी हम फोन पे की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करते हैं या पेटीएम की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करते हैं या दुनिया की किसी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करते हैं और हमें हमारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है फॉर्म में नंबर के थ्रू या नाम के थ्रू, और आप वहाँ पर कुछ एरर करते हैं तो वहाँ पर एक पॉपअप जनरेट होता है ऊपर क्रोम ब्राउजर के ऊपर, जिसको आप टॉप पर दिख जाता है और ओके कर देते हैं आप। ओके, वहाँ पर एक सिंपल मैसेज आता है, आप भी कोई गलती करते हैं या कोई आपको वार्निंग जनरेट होती है, सक्सेस का मैसेज आता है, वो होता है एक पॉपअप। और अलर्ट क्या होता है, अलर्ट भी एक पॉपअप के जैसा ही होता है। अलर्ट और पॉपअप में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, तो कई जगह अपने प्रोजेक्ट में हम अलर्ट भी यूज़ करते हैं, कई जगह पॉपअप भी यूज़ करते हैं। तो फिलहाल ये पॉपअप क्रिएट कैसे करते हैं, तो चलिए आज कुछ प्लगइन्स का यूज़ करके jQuery की हेल्प से हम पॉपअप क्रिएट करेंगे अपनी वेबसाइट्स के अंदर, जो हमें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फ्रंट एंड डिज़ाइन के सीरीज में काफ़ी हद तक हेल्प करेंगी। तो फिलहाल मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे एक सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट करूँगा POPUP पॉपअप नाम से, पॉपअप विद द हेल्प ऑफ jQuery क्रिएट कर रहे हैं हम। और मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इस बार यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली इस फाइल को मैं कुछ भी लिख के सेव कर देता हूँ इस डेस्कटॉप के अंदर पॉपअप के नाम के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे पॉपअप फोल्डर बनाया मैंने और यहाँ पे इसको मैं रख देता हूँ p1.html और करता हूँ सेव। और यहाँ पे मैं HTML का कोड लिखता हूँ और इसके अंदर रख देता हूँ पॉपअप। ओके, सो अब हम इस बार प्लगइन का यूज़ करेंगे। ओके, पॉपअप हम खुद से जनरेट नहीं कर रहे हैं, चाहे आप जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो या आप jQuery में काम कर रहे हो, ये दोनों की हेल्प से परफॉर्म हो सकता है। तो सिंपली मैं बॉडी के ऊपर एक बटन क्रिएट करता हूँ, HTML का एलिमेंट बटन ओपन और बटन क्लोज, और यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिक मी। जैसे इस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पर एक इवेंट कॉल कर रहा हूँ ऑन क्लिक। ओके, ऑन क्लिक के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी मेथड कॉल कर सकता हूँ, आपने ये इवेंट्स HTML में ज़रूर पढ़ा होगा ऑन क्लिक कैसे वर्क करता है। सो फिलहाल यहाँ पे मैं एक पॉपअप मेथड ही कॉल कर देता हूँ, पॉपअप वन या पॉपअप टू, ये मेरी यूज़र डिफाइंड मेथड है, मैं किसी भी नाम से क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, और इसको करने के लिए आपको एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी और उस प्लगइन को डाउनलोड, उस फाइल को जनरेट करना पड़ेगा आपको, या डाउनलोड कर सकते हैं या तो आप उसकी CDN लिंक ले सकते हैं। और उस प्लगइन का नाम है स्वीट अलर्ट। ओके, सो आप सिंपली गूगल पर सर्च करिए स्वीट अलर्ट प्लगइन। सो ये एक जावास्क्रिप्ट की हेल्प से या jQuery की हेल्प से पॉपअप बनाने का एक अल्टरनेटिव प्लगइन है। ओके, सो अगर आपको जावास्क्रिप्ट का या HTML का पॉपअप समझ में नहीं आता, पसंद नहीं आता, तो आप कोई एक्स्ट्रा एडिशनल सॉफ्टवेयर का प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये आप बिल्कुल इसे ऐसा मत समझिए कि ये थर्ड पार्टी है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल नेचुरल है, सिमेंटिक है, आप इसका इजीली अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली गूगल में सर्च करना है स्वीट अलर्ट प्लगइन और यहाँ पर इसकी मैं ऑफिशियल वेबसाइट sweetalert.js.org पे राइट क्लिक करके ओपन ए न्यू टैब कर लेता हूँ तो उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके, यहाँ पे कुछ इंस्टॉलेशन है, आप इसको आराम से पढ़िए कैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, कैसे आप इसकी CDN लगा सकते हैं। तो अगर आपको इसकी हेल्प से, मतलब ये स्वीट अलर्ट वालों ने बहुत सारे प्लगइन बना के रखे हैं हमें पॉपअप करने के पर्पज़ से, तो आपको उसको यूज़ करने के लिए इसकी CDN लिंक को कॉपी करना पड़ेगा और अपने वेबसाइट के अंदर पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने वेबसाइट के हेड सेक्शन के अंदर इसको सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सिंपली यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट ही किया है और गेटिंग स्टार्टेड पे आप देखिए यहाँ पे कई तरह से इन्होंने बना के रखा है, आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। जैसे ये प्रीव्यू देखिए, ऐसे पॉपअप अपेयर होगा, नीचे वाला प्रीव्यू देखते हैं, ये ऐसा पॉपअप अपेयर होगा, तो आपको जो भी पॉपअप पसंद हो वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नीचे वाला देखते हैं, देखिए ऐसे पॉपअप, आप जो भी आपको भी पसंद हो, चलिए एक एक करके ट्राई करते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये वाला पसंद है, ओके, ये जो प्रीव्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वाला पॉपअप अपने आप सॉफ्टवेयर में अपने फ्रंट एंड डिज़ाइन में यूज़ करना चाहते हैं, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपने जो ये मेथड बनाया है इसको आपको कॉल करना, करते समय ही इस मेथड को कॉल करके वो जो हमने यहाँ से कॉपी कोड करके लाएंगे उसी को पेस्ट कर देंगे। अब इसके अंदर कुछ स्वेल नाम के मेथड्स बने हैं, मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए इसके अंदर कुछ स्वेल नाम के मेथड हैं, इन मेथड की हेल्प से आप ऐसा कुछ प्रीव्यू अपने वेबसाइट के अंदर पा सकते हैं। क्योंकि हमने इनका CDN लिंक कॉपी कर लिया है तो हमारे पास इस स्वेल नाम के मेथड का सपोर्ट आ चुका है। बस इस स्वेल नाम के मेथड को हमको तब कॉल करना है जब ये फंक्शन चले, ये फंक्शन जो आपने ऑन क्लिक इस बटन के एक्शन के ऑन क्लिक पे परफॉर्म करवाया है। तो उसके लिए हमें सिंपली करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग ओपन करता हूँ, स्क्रिप्ट टैग क्लोज करता हूँ, ये टाइप देने की कोई ज़रूरत नहीं है, HTML 5 में ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। ओके, और सिंपली मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट को रेडी नहीं करना क्योंकि इस बार मैं फंक्शंस के ऊपर काम कर रहा हूँ, ये जावास्क्रिप्ट वाले
भी कर सकते हैं, jQuery वाले भी कर सकते हैं, दोनों में प्रोसेस सेम है। function यहाँ पे फंक्शन कॉल करता हूँ मैं, और फंक्शन का नाम रखूंगा मैं पॉपअप वन। जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है उसी फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, और इसके कॉल करते समय यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं आपको अलर्ट दिखाना चाहता हूँ। ओके, मैं आपको डायरेक्टली प्लगइन पे नहीं ले जाना चाहता, पहले आप अलर्ट देख लीजिए अलर्ट कैसे होता है और पॉपअप कैसे होता है, देन आप प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं, और आपको फिर देन जो बेटर लगे, वैसे तो बेटर स्वीट प्लगइन, स्वीट अलर्ट प्लगइन ही होता है, तो आप जो भी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अलर्ट लगाने के लिए अलर्ट मेथड यूज़ करता हूँ, और अलर्ट के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ हे दिस इज प्लगइन, दिस इज अ पॉपअप। ओके, और सिंपली इसको मैं सेव कर देता हूँ, और इसको मैं रन करके देखता हूँ ब्राउज़र पे। आप डिफरेंस समझ पाएंगे कि कैसा HTML वाले हमें देते हैं, जावास्क्रिप्ट वाले बाय डिफ़ॉल्ट पॉपअप होता है, और कैसा जो मैं स्वीट अलर्ट की हेल्प से यूज़ करूँगा। देखिए यहाँ पे एक बटन बन के आ चुका है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक बटन आ चुका है। ओके, और इस बटन की हेल्प से आप इसको क्लिक करेंगे, देखिए ये है पॉपअप, यहाँ पे दिस पेज सेज हे दिस इज अ पॉपअप। ओके, तो आप ये पॉपअप आप कई वाले वेबसाइट ड्यूरेशन में सफरिंग, इंटरनेट सफरिंग में आपने देखा होगा कि कैसे ये पॉपअप अपेयर होता है। यहाँ पे मैं इसको जूम कर दिया, देखिए एक बार, और ये होता है पॉपअप। बट मुझे ये वाला पॉपअप नहीं चाहिए, मुझे ऐसे पॉपअप चाहिए कुछ डिजाइंस के, कुछ डेकोरेशंस के। ओके, सो मैं ये वाला पॉपअप यूज़ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा पॉपअप अपेयर हो, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है फ्रंटेड डिज़ाइन में अगर आप इसका यूज़ करते हैं। तो सिंपली इसको करना कुछ नहीं है, आपको ये वाला फंक्शन कॉल करना है, मैं चाहता हूँ नॉर्मल पॉपअप नहीं आए, तो मैं इस अलर्ट की जगह पर वो जो कोड कॉपी करके लाया स्वीट अलर्ट नाम की वेबसाइट से, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल पॉपअप बनाना, और इसको मैं सेव करके अपने ब्राउजर पे करूंगा, यहाँ पे रन कंट्रोल एस कंट्रोल आर करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब इस बटन को क्लिक करूंगा, देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पे एक पॉपअप आ चुका है। अब ये हेलो वर्ल्ड जो आ रहा है इसको आप मैसेज चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग, आप अपने यूजर को जो रिस्पॉन्स देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मैसेज यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, हे दिस इज इन्फॉर्मेशन, और इसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। ओके, जब ये बटन क्लिक होगा तो यहाँ पे आएगा दिस इज अ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वाला पॉपअप पसंद नहीं आ रहा है तो आप दूसरा पॉपअप यूज़ कर लीजिए, अगर आपको ये यूज़ करना है तो आप सिंपली इसको कॉल करिए, कॉपी करिए यहाँ से, और इसकी जगह पे आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे कंटेंट चेंज किया जा सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कंटेंट रखना चाहते हैं। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और इसको क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे हेयर इट इज टाइटल, यहाँ पे कोई भी टाइटल दे सकते हैं अपने उसके ऊपर अकॉर्डिंग, और कोई भी मैसेज दे सकते हैं। ओके, मैंने काफ़ी जूम करके रखा है सो इसलिए ऐसा पेयर हो रहा है। और अगर आप दूसरा पॉपअप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे कई तरह के पॉपअप हैं आप यूज़ करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि स्वेल गुड जॉब ये वाला यूज़ कर लूँ, सबसे बेटर मेरे को यही लगा, सो मैं इसी का यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं इसको हटाता हूँ और सिंपली इसको कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ को कंट्रोल एस करके मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ और इस बटन को क्लिक करता हूँ, देखिए और यहाँ पे हो रहा है। देखिए ये ऐसे पॉपअप हम ऑब्जेक्टिव टाइप या क्विज टाइप सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर आप एक क्वेश्चन दीजिए और चार आंसर दीजिए, और चार आंसर को रेडियो बटन में रखिए, पहला वाला रेडियो बटन में ऑन क्लिक इवेंट लगा दीजिए, कोई भी मेथड लगा दीजिए, और उसमें ये वाला पॉपअप कॉल करवा दीजिए। सिंपल है, अगर वो क्वेश्चन राइट होगा तो यहाँ पे ये पॉपअप आएगा, और यहाँ पे आएगा ग्रेट जॉब दिस आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग होगा तो यहाँ पे आएगा एरर। अब देखिए यहाँ पे ट्रू का निशान आ रहा है। अगर आपको कुछ एरर वाला पॉपअप चाहिए तो बहुत ही सिंपल है, एरर वाला पॉपअप चाहने के लिए ये जो एट्रीब्यूट है यहाँ पे आप सक्सेस को हटा के एरर लिख दीजिए, सिंपल सा ये एरर पॉपअप हो जाएगा। और मैं इसको कंट्रोल आर करके रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक में करिए, देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है और यहाँ पे आइकन भी चेंज हो रहा है। अब आइकन यहाँ पे रॉन्ग का आ रहा है तो यहाँ पे भी आपको रॉन्ग लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे रॉन्ग लिखने के लिए आप यहाँ पे गुड जॉब हटाइए और यहाँ पे सिंपली रॉन्ग लिखिए। ओके, तो यहाँ पे आप कैसे भी मैसेज आपके ऊपर है कैसे भी लिख सकते हैं, आपका पर्पस डिपेंड करता है कि आप सॉफ्टवेयर किस पर्पस के लिए बना रहे हैं और पॉपअप किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको एरर देना हो तो एरर लिख दीजिए, सक्सेस देना हो तो सक्सेस लिख दीजिए। अब वार्निंग भी होता है, वार्निंग चाहिए तो आप वार्निंग भी एट्रीब्यूट यहाँ पे पास कर सकते हैं। ये इन सभी एट्रीब्यूट की इन्फॉर्मेशन स्वीट अलर्ट वेबसाइट में है, आप इसे थोड़ी सी जाके पढ़िए और देखिए कहाँ कहाँ का आप कैसे कैसे एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। इस बटन को क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे वार्निंग आ रहा है। ओके, और भी इस वेबसाइट को हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, और भी कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। जैसे आप वन लाइन में यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा, और इस स्वेल नाम के मैथड को हटा के इसी की जगह पर मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। देखिए यह मैंने पेस्ट कर लिया। ओके, और थोड़ा सा रीडेबिलिटी के हिसाब से इसका इंडेंटेशन सही कर लेता हूँ, मैं इसको टैप दे के थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। ओके, सो ये फंक्शन की बॉडी थी हमारी,
और यहाँ पे ये सोयल की बॉडी है। तो अब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, गुड वर्क तो गुड वर्क लिख सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हैं, कुछ भी सक्सेस दे सकते हैं। तो इस फंक्शन को यूज़ करने का एक अलग तरीका है, डिपेंड करता है कि आप किस राइटिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो ये रहा कि आप सोयल मेथड का यूज़ करके, स्वीट अलर्ट प्लगइन का यूज़ करके किस तरह से अट्रैक्टिव टाइप के पॉपअप बना सकते हैं अपने एचटीएमएल पेज के अंदर। ओके, सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।